नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। संत आसाराम जी बापू आश्रम जांगीरपुरा सूरत के अंदर विद्यार्थी शिविर का आयोजन हुआ। हमारे बापू के सानिध्य में बरसों से विद्यार्थी शिविर चली आ रही है और आज बापू की प्रेरणा से अनुराधा बहन के सानिध्य में विद्यार्थी शिविर संपन्न हुई। सूरत शहर के विविध स्कूलों में से काफी बच्चे आए थे जिन्होंने शिविर का लाभ लिया। हर साल 25 दिसंबर को पूज्य बापू जी के सानिध्य में विद्यार्थी शिविर और जाहिर सत्संग का कार्यक्रम वर्षों से होता रहा है, तो ये परंपरा जारी रखते हुए इस साल भी विविध सूरत के विविध स्कूलों से काफी बच्चे आए हैं और विद्यार्थी शिविर बड़ी धूमधाम से बड़े संख्या में लोगों ने बच्चों ने लाभ लिया। मेरा नाम गुंजन पांडे, मैं गौरव स्कूल से 10वीं क्लास में आई हूँ। हमारा स्कूल अंबिका नगर में है। यहाँ पे हम लोग जो विदेशी परंपरा है क्रिसमस डे मनाने का, उसे छोड़ के हम तुलसी पूजा मनाने के लिए हम यहाँ पे आए। हमें तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए यहाँ पे। जो भी है तो तुलसी पूजन का सिखाया है, वो भी उससे हमें बहुत सीख मिलता है, जो कि तुलसी माता हमारे लिए बहुत अच्छी है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं 9th क्लास का हूँ, गौरव स्कूल से 9th B में पढ़ता हूँ। इस आश्रम में हमें बहुत सीख मिली है। आज 25 दिसंबर है, आज हम क्रिसमस डे मनाते हैं, तो क्रिसमस डे ना मनाकर हम तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। हम सौभाग्य है कि हमारे मास्टर यहाँ तक लाए हैं और हमें कुछ सीखने को मिला है कि तुलसी दिवस क्या होता है। जो गुरुदेव हर साल यहाँ पर 25 दिसंबर को यहाँ पर शिविर करते थे पहले, और अभी भी यह परंपरा चालू ही है, तो इसी निमित्त यहाँ पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बालकों की शिविर अभी चल रही है। आज 25 दिसंबर को तुलसी पूजन के नाम से गुरुदेव ने शुरू किया है अपनी परंपरा में। ये गुरुदेव ने पहल की है कि अगर बच्चे अगर नहीं कुछ करेंगे तो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाएंगे, क्योंकि 25 दिसंबर को माहौल क्रिसमस का होता है, तो अगर पाश्चात्य की ओर जाएंगे तो वो पतंग की ओर जाएंगे। इसके बदले बच्चे की हमारी संस्कृति का आदर करें, हमारी संस्कृति में जो इतने इतने महान सत्यों छुपे हैं उनको आत्मसात करें। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने आज ये बच्चों की शिविर रखवाई है। मैं गौरव स्कूल की सेक्रेटरी, और हमारे यहाँ से भाई दुनिया कुछ भी कहे वो हमें नहीं पता। माता सीता को भी लोगों ने बदनाम किया, राम को भी उस टाइम बहुत लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे, कृष्ण के लिए भी कंस खड़े ही थे। तो आज की दुनिया भी वही है, वही सब होता आ रहा है। हमें तो यहाँ आके बहुत लाभ मिला और हमारे बच्चों को भी, और इवन जो हमसे जुड़े हैं उनको भी हमसे लाभ ही मिलता है। हमारे शिक्षक भी हैं और जो हमारे बच्चे भी, हमारे पेरेंट्स भी यहाँ आके सबको, इसीलिए मैं पेरेंट्स को और लेके आई कि लोग जो बोलते हैं आप भी चल के देखो वहाँ क्या होता है। और मैंने बीच बीच में बच्चों से पूछा भी कि आपको क्या गलत लग रहा है यहाँ, बच्चे बोले नहीं मैम हमको तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स भी बोले, मैं तो बहुत सारे पेरेंट्स को लेके आई हूँ, आप देखो लोग कहते हैं ऐसा है वैसा है, भाई आप अपनी आँखों से चल के देखो तब तो सच समझ में आएगा। कहने को तो दुनिया कुछ भी कहती है, हमारे साथ क्या हो रहा है वो हमें पता है। और मेरे हिसाब से तो यहाँ जो भी जुड़ा है आज तक किसी का गलत नहीं हुआ है, जो यहाँ जुड़ा सब आगे ही बढ़े हैं। एजुकेशन हो या और किसी फील्ड में आप देख लो, जो यहाँ से जुड़ा है कभी वो पीछे नहीं जाता है। और हम जो जुड़े हैं हमने तो आज तक कुछ गलत देखा ही नहीं, तो कैसे मान लें। कहने और सुनने में बहुत फर्क होता है, जो हमने आंखों से देखा वो हम मानते हैं। मतलब अच्छे संस्कार ही, बहुत संस्कार मिलता है भाई। यहाँ से मेरा बच्चा मेरी अपनी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के IIT में जाके टॉप कर रहा है, इससे ज्यादा और क्या आप चाहिए।
इंग्लिश इतनी भर्राटे से बोला, हिंदी मीडियम का बच्चा, आप बोलते हैं इंग्लिश मीडियम, ये मीडियम या फिर कोई बड़ी स्कूल मैटर नहीं करती, आपने बच्चे को संस्कार कैसा दिया वो मैटर करता। और आपका मेरा अभी बच्चा है, बिना माला किए बिना गुरु गीता पढ़े ही वो भोजन नहीं करता अभी भी। मैंने कहा बेटा तुम फॉरेन जाओगे तो वहाँ के कल्चर में यहाँ के कल्चर में बहुत फर्क है। बोलता है मम्मी कोई टेंशन नहीं, गुरुजी है ना, गुरुजी है ना साथ में, बस और क्या चाहिए। एक अंदर से एक वो विल पावर हमारा जो है बहुत स्ट्रांग रहता है, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार। मैं किरण सिंह गौरव स्कूल की टीचर हूँ, मैं 2003 से ही पढ़ा रही हूँ और वहाँ से बच्चों को लेकर आज यहाँ तुलसी पूजन बच्चों को करवाया गया। हमारे स्कूल से 850 बच्चे आए हैं, यहाँ पर तो सब अच्छा ही सिखाया जाता है। हम भी 2003 से आ रहे हैं और जब से जुड़े हैं तब से हमको बहुत फायदा है और हम हमेशा आते हैं गुरुजी के पास। हम तो हमेशा से कहते हुए आए हैं कि बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी निर्दोष हैं, लेकिन एक बात होती है कि साधक के हृदय से तो ये बात निकलती है। लेकिन कल तो ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता भी आश्रम में आते नहीं हैं, दीक्षा लिए हुए नहीं हैं, कितने बच्चों ने तो हाथ ऊपर किया कि हम यहाँ पर पहली बार आए हैं। ऐसे बच्चे यहाँ पर आए और उन्होंने कहा, इंटरव्यू आपके माध्यम से इंटरव्यू में कहा, हमने खुद सुना कि हमने यहाँ पर आकर तुलसी पूजन का इतना सुंदर दिवस देखा, पहली बार हमने देखा कि तुलसी माता की पूजा भी होती है और तुलसी माता का हमने पूजन किया और बहुत हमको आनंद आया। और जाते जाते बच्चे अगले साल फिर आने का बोल कर गए हैं। और क्या क्या शिक्षा दी है यहाँ पर? बच्चों को याद शक्ति बढ़ाने के प्रयोग बताए गए, विद्यार्थी जीवन कैसे जीना चाहिए, माता पिता का जीवन में क्या महत्व है, माता पिता का पूजन क्यों करना चाहिए। तो 14 तारीख को वैलेंटाइन डे नहीं मनाकर मातृ पितृ पूजन मनाने का भी यहाँ पर वो बच्चे वचन देकर गए हैं। तो ये सारी बातें उनको सिखाई गई। केवल इतना ही नहीं, लेकिन उनकी पढ़ाई में भी आगे वे बढ़े, क्योंकि सब साधु महात्मा तो बनेंगे नहीं, कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर, कोई कहीं पहुँचेगा। तो वो अपने तरक्की करें, अपने जीवन में उन्नति करें। उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चे का जीवन में लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, प्रिंसिपल बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। लेकिन उसके लिए भी हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए, वो यहाँ सिखाया गया और वो बच्चों को बहुत अच्छा लगा है। आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर विद्यार्थी शिविर का आयोजन हुआ और काफ़ी भारी संख्या में सूरत के अलग अलग स्कूलों से आए हुए बच्चों ने इसका लाभ लिया। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत से रफ्तार न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए।